हेलो डिबीज, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास Realme X2 होगा, और अगर ये डिवाइस है ना आपके पास, तो यार ये काफ़ी कमाल का डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में लेकर के आपके लिए एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास और एक कैमरा लेंस, यानी कि इस वीडियो में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा टेम्पर्ड ग्लास, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ आता है, कर्व टेम्पर्ड ग्लास है, और साथ ही साथ आपको कैमरा प्रोटेक्टर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों Realme X2 काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया डिवाइस है। यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया कुछ दिन और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन की उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी कितना भी कह ले कि गोरिल्ला ग्लास 5 है या 6 है, बट यार हमारा दिल नहीं मानता और हमें चाहिए होता है एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास, कि अगर बाय द वे एक आध बार गिर गया तो भाई वो प्रोटेक्ट रहे, वो ग्लास आपका टूटे ना, 5-6 हज़ार का नुकसान हुए ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेम्पर्ड ग्लास, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का अभी फिलहाल मैंने अप्लाई कर रखा है। आप देख सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर ये पूरे में अप्लाई है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ ये ग्लास आता है, और कर्व ग्लास है तो चारों तरफ से कर्व है 2.5D, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ में बैक कैमरा के लिए भी, हालांकि यहाँ भी प्रोटेक्शन आपको मिलता है, बट फिर भी यहाँ के लिए भी हम लेकर के आए हैं ये ग्लास, जो कि प्रोटेक्शन आपको देता है। तो ये ग्लासेस हमें भेजे गए हैं यहाँ पर phonewala.store की तरफ से। अगर आपको इंटरेस्ट होगा और आप किसी डिवाइस के लिए ग्लासेस परचेस करना चाहते होंगे तो एक बार साइट को विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ज्यादा किसी देरी को ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको अप्लाई करके दिखाता हूं यहां पर कि ये ग्लास अप्लाई कैसे होता है और कैसा दिखता है आपके एप्लीकेशन होने के बाद। तो इस डिवाइस के लिए दोस्तों हमारे पास है टेम्पर्ड ग्लास। यहाँ पर ये है टेम्पर्ड ग्लास, इस तरीके से आती है इसकी पैकेजिंग, प्लास्टिक केसिंग में आता है, सो यहाँ पर आपको कोई भी टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा इस तरीके से। तो हमने टेम्पर्ड ग्लास के साथ साथ यहाँ पर कैमरा लेंस भी जो है वो मंगाया है, तो कैमरा लेंस यहाँ पर हमारा लग जाएगा, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो, और काफ़ी थिन है तो ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि कोई मतलब बल्कि सी चीज़ आपने लगा दी है अपने ग्लास पे। और यहाँ पर ये जो है हमारा टेम्पर्ड ग्लास है, तो ये टेम्पर्ड ग्लास रियलमी X2 के लिए है, जो कि आप देख सकते हो इस पर पहले से ही मेंशन है, और यहाँ पर इस तरीके से ही है जो निकल करके आता है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है स्क्रीन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि ज़रा भी इस पर मतलब हमें दिक्कत दे रही हो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ में ये क्योंकि आती है। साइड से अगर हम बात करें दोस्तों, साइड से यहाँ पर ये कर्व्ड है, तो आपको कर्व्ड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसा कि इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी कि रियल कर्व्ड है ये, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कर्व्ड के नाम पर आपका किसी ने मतलब काट दिया है, तो वैसा कोई सीन नहीं होएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हो रियल कर्व्ड यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है। तो हार्डनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल है, यहाँ पर ये वाइप्स है हमारे पास, वाइप्स को हम रख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डिवाइस को जो है यहाँ पर स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन ऑन रहेगी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है अनयूजुअल देखने को मिलेंगी। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप अपने डिवाइस को जो है यहाँ पर स्विच ऑफ कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्री अप्लाइड यहाँ पर इनकी स्किन मिलती है रियलमी की तरफ से, तो आपको करना क्या है कि उस स्किन को जो है वो निकाल लेना है, क्योंकि भाई टेम्पर्ड ग्लासेस के बाद ही अप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये जो है फिल्म इसको तरीके से निकाल लेना है, नीचे से ज़्यादा कंफर्टेबल था निकालना, कुछ लोग इसको तुरंत ही निकाल देते हैं, लेकिन मैं अब निकाल रहा हूँ क्योंकि ये है फ़ोन हमारे आशीष भाई का, तो इन्होंने अभी तक नहीं निकाला था कि टेम्पर्ड ग्लास जब तक ना आ जाए तब तक ना निकाले तो ही सही है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है आपके डिवाइस को। अब उसके बाद करना क्या है कि जब आप इसको निकालते हो तो आपकी स्क्रीन बहुत सी जो है साफ़ रहती है, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आती, बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा जो है वाइप आउट कर सकते हो साइड साइड से, क्योंकि डस्ट पार्टिकल एक भी नहीं रहने चाहिए एप्लीकेशन से पहले, तो आपको वो इंश्योर करना है कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पर रह ना जाए। सो गाइज यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन इसका कर लिया है, और सिंपल से कुछ नहीं, आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं है, यानी कि बंद कमरे में इंस्टॉल करना आप, और यहाँ पर आप फैंस वगैरह ऑफ कर देना, वरना इस तरीके से जो डस्ट आए हैं यहाँ पर वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी साइड से ये थोड़ा थोड़ा सा अभी ओपन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये फिट बैठ जाएगा अगर यहाँ पर डस्ट फ्री इंस्टॉलेशन हुआ होता तो,
मैंने यहाँ पर आउटडोर में यहाँ पर इसको अप्लाई किया है तो थोड़ा बहुत डस्ट आ गया, बिकॉज ये डिवाइस मेरा नहीं है, आशीष भाई का है, तो हम बाहर कहीं मिले उधर हमने इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एजेस से आपको इम्परफेक्टनेस देखने को मिलती है, लेकिन क्वालिटी जो है ग्लास की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर ओलियोफोबिक कोटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ग्लास जो है काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील होता है फ्रंट एंड बैक से। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता आपने कोई टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर लगा रखा है। तो अगर इस टेम्पर्ड ग्लास को आप परचेज करना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, phonewala.store से जाके आप परचेज कर सकते हो। और इस तरीके की काफ़ी सारे डिवाइस इसके लिए यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। अब टेम्पर्ड ग्लास तो हमने अप्लाई कर लिया, अब यहीं पर हम साथ ही साथ इसके कैमरा लेंस को जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि कैमरा लेंस यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम लेके आए हैं। यहाँ पर इसका भी वही सिंपल प्रोसेस है, आपको उठाना है और सीधा रख देना है अपने कैमरा पीस पर, कोई इसमें झंझट वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आपके कैमरा को प्रोटेक्शन ये दे देगा, और जैसा कि आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्लेंड आउट है, ज़रा भी इसमें आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आपको जो है कोई दिक्कत इसमें देखने को मिल रही है, ज़रा सा उभार दिख रहा हो, कोई ऐसा नहीं, आपको एकदम परफेक्ट फील देखने को मिलेगा यहाँ पर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अगर आपको ये पसंद है और आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करना। दोस्तों यही था वीडियो आपको दिखाया मैंने कि अपने इसी रियलमी एक्स टू में आप किस तरीके से जो है यहाँ पर ग्लास को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। थोड़े से यार बबल्स मतलब डस्ट रह गया, क्योंकि यहाँ पर मैं आउटडोर में इसको अप्लाई कर रहा था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंडोर में अप्लाई करो इसको, और फैंस वगैरह ऑफ कर लो और लाइटिंग कंडीशन सही रखना, जिससे कि आपको प्रॉपर एजेस वगैरह मैच करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत एप्लीकेशन में नहीं हुई है, बस एक आध डस्ट पार्टिकल आ गए हैं, वो आप अवॉइड करना कि ना आए, बाकी परफेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन हुआ है। चारों तरफ से जो है डिस्प्ले बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है टेम्पर्ड ग्लास, तो कटआउट काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। और मुझे ये टेम्पर्ड ग्लास पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद लग रहा है, तो अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगेन बोल रहा हूँ, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, मुस्कुराते यूट्यूब पर इस तरह बने रहें।